बरकातु, मैं म्यूनसिपल चेयरमैन अब्दुल्ला सादी, जो उस्मान नगर के इश्यू को लेकर जो अफवाहें आ रही हैं और जो कोर्ट का ऑर्डर भी आया है और जो कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हुई है, वो जो घर तोड़ने का जो हाई कोर्ट से ऑर्डर आया है, वो जो जो कोर्ट को रुजू होकर जो मछुआरे जो वेंकटापुर के जो गए हैं जाकर ये कोर्ट का ऑर्डर लेके आए कि यहाँ के घरों को डिमोलिश किया जाए। क्योंकि ये घर कैसा डिमोलिश कर सकते हैं आप बोलिए। कोर्ट के फैसले को हम कुछ बोल तो नहीं सकते, लेकिन कोर्ट का फैसला गलत है। क्योंकि वो 20-25 साल पुरानी बस्तियाँ हैं, वहाँ पर आप जाके 4 हफ्ते के अंदर वहाँ घर तोड़ देंगे, बोल तो ये नहीं होने वाली बात है। ये कोर्ट को ये चाहिए था कि आप हुकूमत को ये ऑर्डर देना था कि आप कुछ एक ऑल्टरनेट रास्ता निकाल के एक पैसे सेंक्शन करके, एक 15 करोड़ या 20 करोड़ खर्चा वो सेंक्शन करके वहाँ से एक आउटलेट निकाले पानी का। आप वो नहीं करके आप वहाँ के घरों को तोड़ेंगे, बोल तो वहाँ पर तकरीबन 500 से 600 घर है वो जो 20-25 साल पुराने भर गए, जो पुराने लोगों की गलतियों से आज वो घरा बन गए। लेकिन आज घरा बनने के बाद आप फिर तोड़ेंगे, बोल तो वो लोग जाएंगे कहाँ? वो गरीब लोग हैं, पहले 2 साल से वो परेशान है, सैलाब आया, पानी आ गया, फिर कोरोना से परेशान थे, फिर रोज़गार नहीं उनके पास, वो डेली जाकर कमाने वाले लोग हैं, वो लोग गए तो उनका घर चलता। अब उन लोगों के घरों को तोड़ेंगे तो कैसा होगा बोलिए आप? हम नकवी मिल्लत अलहाज बरसुद्दीन साहब की हिदायत पर इंशाल्लाह हम जिला उस्मान नगर के लोगों के साथ हैं, हम घर वो टूटने नहीं देंगे। ये दरअसल ये उस्मान नगर के लोगों के लिए, इस उस्मान नगर के वहाँ से एक साजिश है, हम सख्त इस चीज़ की मजम्मत करते हैं। इंशाल्लाह ये चीज़ को हम लेके सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, इंशाल्लाह ये ऑर्डर को भी रखाएंगे और जीत हमारी होगी इंशाल्लाह। अरे कौन सी आप इंसाफ़ी कर रहे हैं लोगों के साथ, बताइए। गरीब लोग जो दर दर के ठोकरे खा रहे हैं, उनके लिए घर रहने के लिए मकान नहीं है, छत नहीं है, 2 रोज़ की रोटी नहीं है, उनके घर तोड़ दे रहे हैं, तो ये कौन सी बात है? आप ये चीज़ को सोचिए। हम इंशाल्लाह ये चीज़ कोर्ट तक जाएंगे, हाई कोर्ट में अगर नहीं हुआ तो सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे इंशाल्लाह, लेकिन स्टे ऑर्डर लाएंगे। रहा मसला तोड़ने का जब देख लेंगे, पहले जैसे भी हमारे आँख पे से जाना, उसके बाद देखेंगे क्या होता है इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।